अब आप ज्ञान में चलते उनके बच्चों को ज्यादा पढ़ाई पढ़ानी है या ना पढ़ाना है। मुरली तो रोज सुनते हो, तो डगली पढ़ाई या गॉडली पढ़ाई की बात नहीं सुनी? नहीं, जो माँ बाप ज्ञान में चलते हैं ना उनके बच्चे अभी टेक्निकल कॉलेज, जो माँ बाप ज्ञान में चलते हैं उन्होंने डगली पढ़ाई और गॉडली पढ़ाई का अर्थ नहीं समझा है? डगली पढ़ाई माने कुत्ता कुतिया बनाने वाली पढ़ाई, अपने बच्चों को कुत्ता कुतिया जैसा इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाला कौन बनावेगा? कोई बनाना चाहेगा? तो जरूर अर्थ नहीं समझा है। और एक है गॉडली पढ़ाई, गॉडली पढ़ाई से लक्ष्मी नारायण जैसे देवता बनते हैं। आप व्यभिचारी, लक्ष्मी नारायण बचपन में क्या थे? राधा कृष्ण थे। राधा कृष्ण का चित्र लक्ष्मी नारायण के चित्र में क्या दर्शाता है? राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबती है, कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबती है, और कोई से कोई लगाव नहीं। और एक जन्म का नहीं, कितने जन्म का? 21 जन्म का ऐसा लगाव पैदा होता है। ऐसी अव्यभिचारी याद जन्म जन्मांतर की पक्की हो जाती है, तो उसको कहेंगे गॉडली पढ़ाई का रिजल्ट। तो अब बताओ, जो माँ बाप ज्ञान में चलते हैं उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए? पढ़ाना चाहिए। माता जी कह रही पढ़ाना चाहिए, क्या कहा? माँ बाप ज्ञान में चलते हैं, बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए ना? ज्ञान पढ़ाना चाहिए। दुनिया भी पढ़ाई की बात पूछ रहे हैं, डागली पढ़ाई की बात पूछ रहे हैं। पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए? नहीं पढ़ाना चाहिए। बच्चे की इच्छा है पढ़ने की, फिर डागली पढ़ाई पढ़ने की इच्छा है बच्चों की? हाँ, बच्चों की डागली पढ़ाई पढ़ने की इच्छा है, तो पैसा किसके हाथ में है? अरे पढ़ाई पढ़ाने के लिए पैसा खर्च होता है कि नहीं? वो किसके हाथ में है? तो फिर कोई अपना पैसा खराब काम में नहीं लगाना चाहे तो जबरदस्ती है? बाबा, माँ बापों की तो इच्छा नहीं होती कि बच्चों ने ये डॉगली पढ़ाई पढ़ना चाहिए। हाँ, लेकिन वो बच्चे जो है ना वो बोलते हैं कि हम तो ये पढ़ाई भी पढ़ेंगे और ये भी पढ़ाई पढ़ेंगे। फिर तो उनको मना किसने किया है? पढ़ो जाके जाओ, हम तुम्हारे अधीन है क्या? तुम हमारे मुंह से पैदा हुए हो, हम थोड़े ही पैदा हुए हैं। तुमको हमारे अंडर में चलना पड़ेगा कि हम तुम्हारे अंडर में चलेंगे? तो फिर इतनी बात बोल नहीं सकते? बोलते तो मानते नहीं तो निकलो घर में से बाहर। घर किसका है? बच्चे तुम्हारे बाप के ऊपर अधिकारी हो गए या बाप बच्चे के ऊपर अधिकारी है? कोई बाप भी जोरू के गुलाम बन जाते हैं, और जो जोरू होती है वो बच्चों का पक्ष लेती है, तो वहाँ डबल हो जाते हैं। जब वो डबल हो जाते हैं, वो अकेले रह जाते हैं, तो कमजोर समझते हैं अपने को। ये नहीं समझते कि हम रचयिता हैं। रचना किसके कंट्रोल में रहनी चाहिए? रचयिता बाप के कंट्रोल में रहनी चाहिए। हाँ। जो भाई माताजी ज्ञान में चलते हैं वो ब्याज का धंधा करना चाहते करते हैं, वो करना चाहिए या ना करना चाहिए? धंधा तो कोई भी करें भल करें, परंतु धंधा में भी ये देखना है कि किसी के दिल को तो नहीं दुखाते हैं। बैंकें 12-13% ब्याज लेती हैं। कितना लेती हैं? सरकार की तरफ से जितना मान्यता प्राप्त ब्याज है उतना ब्याज लें, ब्याज को उठा दें। उनका पैसा पैसे को कमाए, लेकिन वो 36% ब्याज लेते हैं।
तो जिस जो ब्याज पे जिसको दिया जाता है वो जिंदगी भर कभी चुकतो ही नहीं कर पाता है, तो उसके बाल बच्चे उसकी पीढ़ी इधर पीढ़ियां रोएंगी बैठ करके, बद्दुआएं देंगी या दुआएं देंगी। और कितना लेना चाहिए लो, इनकी समझ में अभी नहीं आया वो बैंक से समझ में आ गया ये बैंक से ब्याज बाबा विनाश के समय जिनकी उम्र है तो विनाश के समय जिसकी उम्र विनाश के समय जिसकी उम्र अभी 3 साल या 5 साल होंगी 80 साल नहीं 3 साल या 5 साल 3 साल या 5 साल ज्ञान कैसे समझेंगे बता दिया तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में कितना टाइम लगता है, है? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में टाइम बता दिया 40 से 50 वर्ष लगते हैं। 76 में तमो प्रधान और 40 साल और जोड़ दो तो आया 2017, 16, 18 समझ लो। वहां से सतो प्रधान बनना शुरू होगा और 10 साल और ऐड कर दो 50 साल कर दो। जिनको सतो प्रधान बनना होगा वो अगले 10 सालों में सतो प्रधान बन जाएंगे, बाकी जिनको नहीं बनना होगा वो एडवांस में भले आ जाए, एडवांस में आने के बावजूद भी वो भक्ति मार्ग के संस्कार छोड़ पाएंगे या नहीं छोड़ पाएंगे, हैं? हैं? भक्ति मार्ग के संस्कार अगर रह जाएंगे तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो 2016, 17 तक, 18 तक जिन्होंने अपने भक्ति मार्ग के संस्कार नहीं खलास कर पाए और शरीर छूट गया एडवांस में आने के बावजूद भी, तो रिजल्ट क्या होगा? बच्चे के रूप में जन्म लेंगे, 2-5 साल के लिए होंगे, वो ज्ञान तो उठा ही नहीं सकेंगे। और भगदड़ में ज्ञान उठाया जाता है या शांति के टाइम पे ज्ञान उठाया जाता है? अभी शांति का टाइम चल रहा है, अभी कोई आत्मा चाहे तो गहरे से गहरा ज्ञान उठा सकती है, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ सकती है, लेकिन दुनियावी धंधों में कोई टाइम गंवाता रहे तो इसमें बाप क्या करेगा? समझ में आया बाबा? हाँ। देह को भूलने का अंत समय कब आएगा? हैं? देह को भूलने का देहधारी को याद आता है अभी बोला है मुरली में, ये अंत समय में भूलेंगे तो ये कब तक अंत समय? हर आत्मा का अपना अपना पुरुषार्थ है, 500 करोड़वीं आत्मा जो इस सृष्टि पर उतरती है उसका अंत समय कब आएगा? कब आएगा? 2036-37 में जाके डंडे धर्मराज के खा खा के और फिर उसका अंत समय आ जाएगा। समझ में नहीं आता है? ये तो अपने हाथ में है। और हाँ, उनके पति ज्ञान में नहीं चलते, हाँ, तो उनके पति बोलते तुमको मार डालेंगे, हाँ, तुमको घर से निकाल देंगे, हाँ, तुम्हारी टीवी फोड़ डालेंगे, हाँ, हाँ, बहुत तकलीफ देते हैं, हाँ, हाँ, तो माता जी पति के सामने मार डालते हैं, मार डालते निकाल देते हैं, मार डालेंगे, हाँ? कहते हैं एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, आत्मा कोई मरती है क्या? अगर आत्मिक स्थिति वाली माता है तो फट से कहेगी मैं आत्मा तो अविनाशी हूँ, मैं कभी मरती ही नहीं है, शरीर छोड़ भी दूंगा ना तो ब्रह्म राक्षस बन करके तेरे को सुधारूंगा, ऐसे बोलना चाहिए।
माताएं महाकाली का पाठ बजाती हैं कि नहीं है? तो ज्यादा जो जास्ती करते हैं तो फिर उनको ऐसा जवाब भी दिया जा सकता है, तीर मारना चाहिए। और बाप आपको साथ देने वाले, बाप को साथ देने वाले इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन थे, तो फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का क्यों गायन है? मुस्लिम और सिख तो थे, गायन का क्यों गायन? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई कहते, जो हिंदू हैं वो बाप के बच्चे नहीं बने यज्ञ के आदमी? हाँ, पर मुस्लिम और सिख वो बच्चे नहीं बनते हैं? तो बच्चे बिना बने बगैर सहयोग दे दिया क्या? अरे 36 में और चाहे 76 में जिन बच्चों ने बाप को सहयोग दिया वो बच्चे बने, तभी तो सहयोग दिया कि बिना बच्चे बने सहयोग दे दिया? बच्चे बन करके सहयोग दिया। हैं? अच्छा, चार ही तो मुख्य धर्म है, तो चारों ही धर्मों के जो मुखिया हैं वो आ गए, तो उनके जो असिस्टेंट हैं वो भी आगे चल के आ जाएंगे, उनकी भी वही गति होगी। है मुस्लिम तो इस्लाम का समझ? हाँ हाँ, इस्लाम से मुस्लिम निकला, सिख धर्म बौद्धियों से निकला, बौद्ध ही हुए, सन्यासी हुए, सिख हुए, हट्टे कट्टे मोटे ताजे होते हैं कि नहीं? हैं? ताकतवर होते हैं कि कम ताकतवर होते हैं? ये ताकत प्योरिटी से आती है या इम्प्योरिटी से आती है? प्योरिटी से आती है। हिंदू नहीं मुकाबला कर सके मुसलमानों का और क्रिश्चियंस का, किसने मुकाबला किया? सिखों ने मुकाबला किया, कौन सी ताकत से? उनके अंदर जरूर प्योरिटी की पावर थी, एक नारी, तो ये प्योरिटी नहीं है, उन्होंने मुकाबला किया। सिकल भी तीनों की एक जैसी, सन्यासी भी हट्टे कट्टे मोटे ताजे होते हैं, बौद्ध भी हट्टे कट्टे मोटे ताजे होते हैं, गोल चेहरे वाले, और सिख भी हट्टे कट्टे मोटे ताजे होते हैं। सिर्फ अंतर इतना है कि बौद्धी द्वापर के सतो प्रधान टाइम में आते हैं, सन्यासी रजो प्रधान टाइम पर आते हैं, और सिख तमो प्रधान टाइम पर आते हैं। तो सिखों का रंग कैसा होता है? हा? ज्यादातर काले ही काले होते हैं। और अभी तो दिन पॉइंट आया बाबा, अंतम में कर्मारित अवस्था बनेगी, तो फिर तब तक कैसा कुछ ज्यादा करना चाहिए? हैं? अंतिम समय तुम्हारी कर्मारित अवस्था बनेगी। हैं? और अभी जो टाइम है उस टाइम तक कैसा पुरुष ज्यादा करना चाहिए? अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा ने जो अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ बताया सो करना चाहिए, खराब क्यों करना चाहिए? हाँ, अरे पूछो ना, खोल के पूछो। उसके आइडिया युक्ति पुराम स्टेज कर्मादि स्टेज बनने के लिए अभी तो वो अंतिम समय बनेगी। हाँ हाँ, फिर अभी जो टाइम है, हाँ हाँ, वो टाइम में कैसा पुरुषार्थ करना चाहिए? ऐसा ही पुरुषार्थ करना चाहिए जो इंद्रियां भूल जाए, देह भूल जाए, देह भूलेगी तो इंद्रियां याद रह जाएंगी नहीं, और इंद्रियों से रस लेते रहेंगे चकाचक। सुनो सुनो, इंद्रियों से अगर रस लेते रहेंगे तो भूल जाएंगी कि और ज्यादा याद आएंगी? हैं? और ज्यादा याद आएंगी, इसमें पूछने की क्या बात है? अरे जैसी प्रैक्टिस करेंगे वैसा ही रिजल्ट निकलेगा। कोई कोई बोलते ड्रामा में जो होगा वो देखा जाएगा, फिर अंतिम कर्मद्यावस्था बनेंगे, फिर अगली पन्न हो जाती है, ऐसा भी बताएंगे। अरे कोई कोई बोलते हैं उनको फॉलो करना है, या बाबा ने जो बोला उसको फॉलो करना है? बाबा ने बोला ड्रामा को फॉलो करो? बाबा ने पुरुषार्थ को आगे रखने के लिए बोला है या ड्रामा को आगे रखने के लिए बोला है? पुरुषार्थ को आगे रखो। कब तक ऐसी बातें पूछते रहोगे? बाबा मेरी तबीयत साथ नहीं देती अभी। तबीयत साथ नहीं देती? शक्ति क्षीण हो गई मेरी। शक्ति क्षीण हो गई? खाना खाना याद रहता है कि नहीं? नहीं, भी खाती नहीं बाबा। खाना ही नहीं खाती? पानी पीती कि नहीं?
पानी पीती हो ना। हाँ तो ऐसे ही बाबा की याद भी याद रखो, दुख में तो ज्यादा याद आती है कम याद आती है। मेरा दिल चटपट करता था आपको, परसों बाबा कब आएगा बाबा कब आएगा, तो रात को मालूम पड़ा बाबा ही आ रहा है। तो आपका तो आपका पुरुषार्थ बढ़िया है कि खराब है? तो आपका पुरुषार्थ तो अच्छा है ना? फिर पुरुषार्थ अच्छा हुआ या खराब हुआ? अच्छा हुआ, घड़ी में अच्छा हुआ घड़ी में खराब हुआ। तो ऐसी मस्ती में रहा करो, देह भले सड़ती जाए लेकिन आत्मा मस्ती में रहे। चलो कवच कुंडल थे कर्ण के पास, कर्ण के पास कवच कुंडल थे। हाँ कवच कुंडल एक ही बात। हाँ कवच माने जो योग की पावर थी, योग का कवच था, तो उसकी वजह से वो पुरुषार्थ अर्जुन जैसा तीखा था। हाँ तो इंद्र ने ब्राह्मण को कहके उनसे वो मान लिया। हाँ ये शूटिंग ब्राह्मण दुनिया में कैसे होती? ब्राह्मण की दुनिया में इंद्र कौन है? अभी ब्राह्मणों की दुनिया में इंद्र कौन है? बाबा इंद्र भी तो है, है? जो स्वर्ग में पूरे 8 जन्म बिताता है, वो कृष्ण की आत्मा भी उसमें मौजूद है या नहीं? तो इंद्र भी तो है, और वो इंद्र जो है राम वाली आत्मा का भी पार्ट है और कृष्ण वाली आत्मा का भी पार्ट है। दोनों साथ ही जा रहे हैं, दोनों भागीदार हैं स्वर्ग की दुनिया पाने के लिए। तो जो भागीदार है राम वाली आत्मा, उसने वो ज्ञान सूर्य ने कवच और कुंडल अपने हाथ में ले लिए या कृष्ण वाली आत्मा के हाथ में है? है? याद की यात्रा किसकी मुट्ठी में पहुंच गई? राम वाली आत्मा के हाथ में मुट्ठी में पहुंच गई। और जो ज्ञान सुनना है गहराई से, वो भी किसके हाथ में पहुंच गया? वो भी राम वाली आत्मा के हाथ में। तो कवच कुंडल ले लिए कि नहीं ले लिए? कृष्ण वाली अर्थात ब्रह्मा वाली आत्मा उस ज्ञान को जो कि ब्रह्मा के मुख से सुनाई गई थी मुरलियां, उसको उतनी गहराई से पकड़ती है? उसके कान पकड़ते हैं उतनी गहराई से? नहीं पकड़ते। तो कुंडल भी ले लिए और योग का कवच भी ले लिए। गंगा को मैली क्यों कहा जाए? सारी दुनिया कलयुग में मैली हो जाती है कि अकेली? हमारी बात का जवाब दो पहले। कलयुग के अंत में गंगा ही मैली होती है कि सारी दुनिया मैली हो जाती है? तो सारी दुनिया के बीच में गंगा कैसे गोरी बनी रहेगी? गंगा हरिद्वार से जब आगे बढ़ती है तो पहले हरिद्वार में पवित्र थी, वहाँ गंदा नाला नहीं पड़ता था। पहले पहले गंदा नाला पड़ता था जाकर के फर्रुखाबाद में। अरे बाद में फर्र से खा ले सारी दुनिया को, वो पार्ट किसका है? है? हाँ तो वहीं आके गंगा गंदी होती है, वहीं से आके सुच्ची होती है। जो पवित्र बनने के निमित्त बनता है वो ही अपवित्र बनाने के भी निमित्त बनता है। ये दुनिया का हिसाब ही ऐसा है, जो नीचे गिराने के निमित्त बनते हैं गुरु लोग, वो ही फिर ऊंचा उठाने के भी निमित्त बनते हैं। और बाबा पूजा करती है वट पूर्णिमा की, 7 जन्म वट पूर्णिमा की पूजा करती है। वट पूर्णिमा 7 जन्म के लिए यही पति चाहिए ऐसा अच्छा गायक। हाँ बाबा तो 21 जन्म तक एक ही पति होता है। हाँ तो भक्ति मार्ग में जानते हैं? भक्ति मार्ग में जानते हैं क्या? हाँ भक्ति मार्ग में तो नहीं जानते, यहाँ ज्ञान मार्ग में तो जानते हैं। बाबा ने बता दिया क्या 8 जन्म कहाँ पाते हैं? सतयुग में। और 12 जन्म कहाँ पाते हैं? 13 जन्म त्रेता में। तो बाबा ने हमको बता दिया कि जो वट वृक्ष है वो वट वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष कौन सा है?
बट वृक्ष स्वयं कौन है? बाबा प्रजापिता जो बनियन ट्री की यादगार है, उसकी छत्र छाया के नीचे जब चंद्रमा संपूर्ण होता है, पूर्णिमा होती है, तो उन्हें रिजल्ट मिलेगा कि नहीं पुरुषार्थ का? तो उन्हें रिजल्ट मिलता है पुरुषार्थ का। वो सात जन्म जो है सतयुग में वैसा ही पद पाएंगे जैसा चंद्रमा पाएगा। चंद्रमा कितने जन्म सतयुग में लेता है? आठ जन्म। और आखिर में जाके जो पुरुषार्थ करेंगे वट वृक्ष के नीचे पूर्ण, चंद्रमा जब संपूर्ण हो जाए, अभी तो संपूर्ण नहीं है, अभी नहीं कर रहे हैं पुरुषार्थ, वो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जो बैठे हुए हैं वो बाप को पहचानते हैं अभी? अभी चंद्रमा भी अधूरा, तो उनके फॉलोअर भी बड़े, कितने से बड़े बड़े महारथी हो तो भी अधूरे हैं या संपूर्ण हैं? पुरुषार्थ ही नहीं करते। तो वो चंद्रमा को फॉलो करेंगे और वट वृक्ष की छत्र छाया में तब आवेंगे, पुरुषार्थ करेंगे। अभी नहीं छत्र छाया में है, अभी छत्र छाया में है नहीं है, तो जब करेंगे तो टू लेट हो जावेंगे या लेट हो जावेंगे? टू लेट हो जावेंगे। इसलिए उनको 84 जन्म की प्राप्ति नहीं होगी, सतयुग में सिर्फ 7 जन्म की ज्यादा से ज्यादा प्राप्ति हो सकती है। ब्रह्मा की आत्मा सतयुग में 8 जन्म श्रेष्ठ प्राप्त करेगी। उनके जो फॉलोअर्स हैं, जब चंद्रमा संपूर्ण बनेगा पूर्णमासी का, तब वो वटवृक्ष के छत्र छाया में आवेंगे, तो पिछड़ जावेंगे ना। घर में शांति रखने के लिए क्या करना चाहिए? शांति गले का हार है, जब बिंदु को याद करो तो शांति। अरे बिंदु को याद कर, तुम्हारी आत्मा बिंदी है कि नहीं? तो बिंदु को याद करो तो शांति है, और बिंदु को याद नहीं करोगे, देह को याद करोगे तो क्या होगी? क्या होगी? अशांति याद होगी। शांति गले का हार है, जब चाहो याद करो, न चाहो मत याद करो। आत्मा को याद नहीं करोगे तो देह याद आएगी, देह के संबंधी याद आएंगे, देह के पदार्थ याद आएंगे, दुनियादारी याद आएगी, तो शांति कहां से आएगी? ये दुनिया अशांति की है, दुख की है या शांति की है? ये तो अशांति की दुनिया है। सतयुग त्रेता होगी शांति की दुनिया, क्योंकि वहां साहब को क्या याद रहेगा? आत्मा याद रहेगी। और तुम भी यहां ऐसे ही करो सो नहीं करोगे। सूरज का बाप सूर्य, उनका पिता कौन है? नारायण का बाप शिव। अरे नारायण का बाप शिव नहीं है? लो चलो आगे चलो। ब्रह्मा से शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं। ब्रह्मा द्वारा शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं। अभी एक मुरली में बोला, बेंगलोर में जो चली वाली 76 तक ब्रह्मा द्वारा शूद्र से ब्राह्मण बनाया, 76 तक ब्रह्मा से शूद्र को ब्राह्मण बनाया। हाँ जी, ब्रह्मा तो 69 में शरीर था। हाँ तो क्या हुआ? तो सूक्ष्म शरीर नहीं था उनका? सूक्ष्म शरीर तो अभी भी है। और उस ब्रह्मा से भी पहले कोई ब्रह्मा हुआ कि नहीं? वो ब्रह्मा तो आ गया। यज्ञ के आदि में कितने ब्रह्मा थे? दो ही थे। मम्मा बाबा मुरली में बोला, वास्तव में इन ब्रह्मा सरस्वती को मम्मा बाबा नहीं कहेंगे, तो उनके भी अम्मा बाबा कौन थे? उनके भी कोई अम्मा बाबा थे। तो प्रजापिता पहला ब्रह्मा हुआ ना, उससे भी पहला जो प्रजापिता को सुनाया वो ब्रह्मा हुआ कि नहीं? वो भी तो ज्ञान में है। वो भी ज्ञान में है। हाँ वो भी ज्ञान में है, तो उसको नहीं गिनोगे? तो उसी समय से ब्राह्मण बनना शुरू हो गए।
83 में ज्ञान में आई कौन? लो ये की आदि में नहीं थी, आदि में थी, भूल गए, आदि में थे। तो आदि में तो प्रजापिता भी था। 69 के बाद में 76 तक तो अरे ब्रह्मा 100 साल का होता है कि नहीं, तो कहाँ से गिनेंगे? छत्तर से गिनेंगे कि 83 से गिनेंगे कि 76 से गिनेंगे? बात खत्म। और झाड़ के चित्र में मुस्लिम धर्म का धर्म पिता नहीं, मुस्लिम धर्म का धर्म पिता नहीं दिखाया? वो तो कहते हैं कि जो बुत परस्त होते हैं वो तो काफिर होते हैं। बुत माने मूर्ति बनाने वाले, मूर्ति की पूजा करने वाले। जिसने मूर्तियों का खंडन किया वो अपनी मूर्ति बनाने देगा? तो मुस्लिम धर्म में मोहम्मद की मूर्ति कहां से आ जाएगी? उसने बनानी नहीं थी। अच्छी बात है खराब बात है? है? अच्छी बात है। बाबा जो सिख धर्म की शाखा दिखाई है, झाड़ में सभी आत्माओं को छोटे छोटे रूप में दिखाई है। सिख धर्म में एक माता को बड़ी रूप में, और क्या, जरूर सिख धर्म से निकली हुई होगी, जिसके लिए मुरली में बोला है कि पंजाब की धरणी कन्यादान में सबसे आगे गई। तो कन्या कौन सी सबसे आगे जाएगी एडवांस में? जगदम्बाई सबसे आगे गई, वो निकली तो ढेर की ढेर सरेंडर हुई, 16,000 भी सरेंडर हो जाएंगी उसके पीछे पीछे। वो नहीं निकलती तो कोई सरेंडर नहीं होती। और जो नवग्रह है उनका ज्ञान मार्ग में उनका क्या रहस्य है? अरे नवग्रह है तो नव धर्म पिता ही नहीं है, और भगवान का ज्ञान नहीं लेते तो फिर अरे बाबा का नाम बताते हैं आत्माओं का। और अभी मंदिरों में जो सूर्य की पिंड की स्थापना करते हो जमीन से नीचे की हैं, बाकी मंदिर देवताओं के ऊपर पिंड की स्थापना नीचे की पिंड है किसकी यादगार? वो ही तुमने जाना ही नहीं। रोज मुरलियों में समझाया जाता है जो शिवलिंग की पिंडी है वो किसकी यादगार है? रुको, हाँ बताओ। साकार शरीरधारी की यादगार है, मुकर्रर रथ की यादगार है। तो जो मुकर्रर रथ है वो धरणी की गहराई में जाता है या नहीं जाता है? जाता है ना। 16,000 धरणियां हैं, उनकी थाह कौन लेता है? वो ही पिंडी लेती है थाह, गहराई में जाने वाली है। कंपिल में कालेश्वरनाथ मंदिर और उज्जैन में कालेश्वरनाथ मंदिर बना हुआ है। कालेश्वरनाथ मंदिर में जो पिंडी रखी हुई है शिवलिंग की, उसको एक अंग्रेज ऑफिसर ने आकर के खुदवाया, खुदवाता चला गया। जहां तक खुदवाते जाए वो और गहरा होता चला गया, आखिर उसको बंद कर दिया। तो गहराई में नहीं रखा जाएगा क्या? मनुष्य आत्माएं गहराई को पहचान पाएंगी? मनुष्य आत्माएं थोड़ी पहचान सकती। ये तो शिव बाबा है जो पतितों को पावन बनाने वाला है, वो जिसमें प्रवेश करता है उसके द्वारा ऐसा चरित्र दिखाता है। और उसका जो पानी निकलता है वो पड़ता जो पानी गाय के मुख से निकले है। गाय के मुख से पानी जो निकलता है, हाँ, पिंड पर गाय निकलता है वो गाय मुख से निकलता है। हाँ हाँ वो मुख से निकले गए। हाँ जो मंदिर बनवाते हैं ना तो ऐसे बनवाते हैं, गाय का मुख बनवाते हैं। गाय का मुख से तो निकलता है, लेकिन पीता कौन है? उसके सामने कौन बैठा हुआ? बैल। तो तुमने गाय और बैल कभी जिंदगी में देखे ही नहीं? बैल को मूत पीते देखा कि नहीं गाय का? ऐसे प्रश्न भी पूछते हैं जानते जैसे कुछ नहीं है, बड़े आराम से पूछ लेते हैं।
और हाँ सरल स्वभाव और सफलता कार्य की सफलता है सरल स्वभाव और कार्य की सफलता हाँ जितना सरल स्वभाव होगा उतना कार्य की सफलता होगी और तिकड़म पैंचिया स्वभाव होगा छल छिद्र वाला स्वभाव होगा तो वो सफलता पाएगा। भगवान को भोले पसंद हैं, सरल चित्त पसंद है या तिकड़म पैंचिया पसंद है छल छिद्र वाले पसंद है। भगवान को कौन पसंद है? भोले वाले बच्चे पसंद है। तो जो भगवान को पसंद है वो ही सफलता पाएंगे। भगवान को पसंद ही नहीं है छल छिद्र कपट वाले तो सफलता प्राप्त ही नहीं कर सकते। और जो अमृत वेला करना चाहता है सुबह है तो होता नहीं क्या होता है? आराम से सो जाते कुंभकर्ण बन जाते। उसके लिए क्या आइडिया सुनानी चाहिए? कुंभकर्ण कौन बनता है बताओ? कुंभकर्ण का पार्ट किसका है? रावण का भाई कुंभकर्ण। वो कौन था? हाँ अच्छा रावण कौन था? रावण रावण बनता है तो उसका भाई कौन? अरे अरे राम का भाई रामायण में किसको दिखाया? लक्ष्मण को। तो यहाँ राम का भाई रावण, वो रावण का भाई कुंभकर्ण हो गया। सबसे ज्यादा कौन सोता है? तुम तो जग गए, तुमने भगवान बाप को पहचान लिया। अब कौन सी आत्मा है जो सबसे बाद में पहचानती है ये भगवान है? नहीं तो कहती मैं ही भगवान हूँ साकार, मेरे अलावा दुनिया में कोई साकार भगवान नहीं हो सकता, मैं ही गीता का भगवान हूँ। कौन है वो? है वो सबसे बड़ा कुंभकर्ण। तो कुंभकर्ण बन के रहोगे तो ज्यादा पापात्मा हुए थोड़े पापात्मा हुए? है कुंभकर्ण ज्यादा खाता था कि थोड़ा खाता था? ज्यादा खाता था। ज्यादा भोग करेगा, ज्यादा भोगी बनेगा तो पापात्मा बनेगा कि पुण्यात्मा बनेगा? पापात्मा बनेगा। भोग भोगने में बुद्धि लगी रहेगी, ज्ञान में बुद्धि नहीं लगेगी मनन चिंतन मंथन में। तो जब मंथन में ज्ञान में जो ब्राह्मण का कर्म है उसमें बुद्धि नहीं लगेगी, भोग भोगने में बुद्धि लगी रहेगी, पाप ज्यादा बनते हैं, सर के ऊपर पापों का बोझा बहुत चढ़ जाता है। इतना चढ़ता है कि जब याद में बैठेंगे, जो असली याद का टाइम है अमृत वेले, न चाहते हुए भी उसी समय नींद आएगी। और ज्ञान में तो बाबा कहते हैं ज्ञान में आने के बाद अगर पाप कर्म करते हैं जानते हुए भी तो कितना गुना वजन चढ़ता है? 100 गुना वजन चढ़ता है। जानते हैं कि ये पाप कर्म है फिर भी करते भी हैं और बाप को बताते भी नहीं, तो जो 100 गुना पाप का बोझा चढ़ेगा वो मल्टीप्लाई होता जाएगा या घटेगा? तो फिर इंद्रियां जड़त्वमयी बनेंगी या इंद्रियां चैतन्य बनेंगी? जड़त्वमयी हो जाएंगी। नींद आती है उसके लिए तरीका बता दिया बाबा ने। ड्रॉपर में सरसों का तेल रखो शुद्ध, क्या और अमृत वेले जब यह नींद आती है तो आधा बूंद लो उंगली में और एक आंख में लगवा लो, आधा पौना घंटा आंख पटपटाती रहेगी, नींद आएगी? नींद नहीं आएगी। आधा घंटे के बाद जब आंख ठंडी पड़ जाए फिर नींद आएगी, फिर दूसरी आंख में लगा लो, तब तक ये आंख ठंडी हो गई। अंधे तो नहीं बनेंगे,
बाबा ने कहा बंद आंख से पुरुषार्थ, तो एक आंख खुली रहो, एक आंख खुली रहेगी तो भी तो देखने में तो आएगा, नींद तो नहीं आएगी। तो ऐसे ही तब तक करते रहो जब तक अमृत वेला पूरा न हो जाए। चार छह दिन करोगे नींद की जो प्रैक्टिस है वो खत्म हो जाएगी, अपने आप अपने को दंड देंगे तो दंड कम हो जाएगा कि ज्यादा होगा। जो अपने आप अपने को दंड देता है उसका दंड धर्मराज के सामने भी कम हो जाता है। हैं? अमृत वेला होता नहीं तो क्या होता है? अरे अमृत वेला नहीं होता है तो क्या होता है? हैं? पाप होता है, जो पाप होता है उसकी याद रहती है। हाँ, तो याद जो पाप की रहती है वो तब ही याद रहेगी जब उस पाप में रस लेंगे। अगर उस पाप में रस लेना बंद कर दें, क्या पक्का कर दें, हमें तो बाबा की याद में ही ऊपर उड़ जाना है, शरीर को मुर्दा बना देना है और शरीर की इंद्रियों से हमें कोई रस नहीं लेना है, तो पाप बनेगा नहीं बनेगा। भिखारी दुर्योधन दुशासन जबरदस्ती करता है और उसकी जबरदस्ती में हमने सहयोग दे दिया इंद्रियों से, तो उसकी रग बढ़ेगी या घटेगी? और ज्यादा भड़क जाएगा। हम रस ही न लें, इंद्रियों को मुर्दा बना दें, एक बार करेगा, दो बार करेगा, दस बार करेगा, कहते तेरे की नहीं सर, तो मुर्दे से कोई लगातार प्यार करेगा? है? नहीं करेगा, भाग खड़ा होगा। बाबा तो बता दिया, अगर बाप की याद में नहीं रहेंगे, इंद्रियों का रस लेते रहेंगे तो पाप जरूर लगेगा, तो मत करो पाप। अब पाप कराने वाला जो पाप करा रहा है वो भी किया हुआ कर्म किसका है? हैं? अरे हम भी तो पिछले जन्म में दाढ़ी मूछ वाले पुरुष बने थे कि नहीं बने थे? तब जब बने थे तो हमने छोड़ दिया होगा, हैं? हमने भी नहीं छोड़ा था, तो अपना हिसाब किताब पूरा करेगा कि नहीं? वो तो अपना हिसाब किताब पूरा किए बगैर नहीं छोड़ने वाला। और बाबा ये संगम में कितने दिन रहे आप? कितने दिन रहे? कितने दिन रहेगा? कितने दिन रहेगा बाकी? कितने दिन रहेगा? माने तुम्हें पता ही नहीं कि संगम में कितने साल का है? 100 साल का, फिर क्यों पूछते हो? नहीं, दुनिया में पाप ज्यादा दिखने हुआ था, दुनिया में पाप ज्यादा दिखने हुआ था। दुनिया में क्या होता है तो होने दो पाप। ऐसा लगता है कि संपन्न को होना जल्दी जल्दी संपन्न को होना जल्दी खत्म होना चाहिए। माने माने बाप की बात झूठी हो जानी चाहिए। बाप ने जो बात बोली ब्रह्मा मुख से वो ब्रह्मा मुख के ब्रह्मा बाप की झूठे हो जाना चाहिए, तुम्हारी बात सच्ची हो जाएगी, तो फिर क्यों पूछते हो ऐसी बात? जो ईश्वरीय महावाक्य हैं वो पत्थर की लकीर हैं, उनको नीचे ऊपर करने की कोशिश नहीं करना है। नहीं तो बाप ने बोल दिया है श्रीमत के बरखिलाफ बात करने वाले को रावण संप्रदाय समझो, इसलिए बाबा की मुरली के वाक्य को कभी पलटने की कोशिश नहीं करना। हाँ, जोर से बोलो, आवाज आए तो। सुना आपने? हाँ, क्या सुना है? हाँ, ज्ञान सूर्य प्रकट होने से पहले ऊषा आती है, तो हाँ लालिमा कहते हैं उसे। हाँ, लालिमा कहते हैं उसे।
अरे लाल लाल जीप लपलपाती हुई कौन सी देवी आती है, है? महाकाली आती है, इसमें क्या नई बात है। राम की जब बारात निकालते हैं तो भी आगे आगे महाकाली को दिखाते हैं, पीछे पीछे दूसरे देवी देवताओं को दिखाएंगे। क्या पहले कौन आती है आगे आगे? महाकाली प्रत्यक्ष होती है। लक्ष्मी का पार्ट क्या है? महाकाली का पार्ट काला है, लक्ष्मी का पार्ट गोरा है। लक्ष्मी आएगी लाली माँ के रूप में, माना महाकाली बाद में आती है, लक्ष्मी पहले आती है। तो यही तो बात, यही तो बात बता रहे हैं यहाँ। उषा जो है वो दूसरी चीज नहीं है जो अंधकार का मुकाबला करती है। अंधे धृतराष्ट्र राक्षस संप्रदाय उनका मुकाबला लक्ष्मी करेगी या महाकाली करेगी? महाकाली करती है। जैसे को तैसा चाहिए, तो राक्षस संप्रदाय को कंट्रोल करने के लिए कौन चाहिए? मांस भक्षी राक्षसी ही चाहिए। उषा के पहले तो काली माँ रहती है, हैं? काली माँ रहती है ना पहले, फिर लाली माँ आती है। काली माँ की, काली माँ की जीभ देखिए, वो जीभ ज्यादा काम करती है कि औरंग ज्यादा काम करते हैं, हैं? हाँ, जो घर में काले कर्म करने वाली औरत अगर होती है किसी के घर में, तो उसकी जीभ ज्यादा लपलपाती है या और दूसरे अंग ज्यादा लपलपाते हैं? जीभ ज्यादा लपलपाती है। और कितने बाबा हैं? कालीमा, लालीमा, उषा, संजय, चार आ गए फिर इसके अंदर। क्या लालीमा, कालीमा, उषा और संजय? लाली, लाल किसे कहा जाता है और लाली किसे कहा जाता है? लाल माने क्या? अरे लाल माने क्या? अरे मेरे लाल बच्चा। और लाली माने बच्ची। तो लाली बच्ची, ब्रह्मा की बच्ची कौन हुई? अरे ब्रह्मा की बच्ची कौन है? जगदम्बा। तो जगदम्बा कौन सा रूप धारण करती है? महाकाली का रूप धारण करती है। अरे अंधकार से टकराने के लिए, अंधकार काला होता है ना, उसे टकराने के लिए ज्यादा काला रूप चाहिए या थोड़ा चाहिए? तो वो कौन है? महाकाली है। हाँ, प्रवेश करके, जिनमें प्रवेश करती है वो अनेक प्रकार की कन्याएं हैं। हाँ? तो ये कि आज में जिसने पार्ट बजाया ब्रह्मा के साथ, वो देवी का पता नहीं चला अभी तक। फिर हाँ, है? है? जब तुम बुलाओगी तब आएगी। तुमको तो डायरेक्शन भी मिल गया, बुलाओ, तुम तो बुलाती ही नहीं हो। बाबा बाबा चिल्लाती रहती है। परिवर्तन शक्ति आएंगी तब परिवर्तन होगा वो। हाँ, कौन सी शक्ति? अरे परिवर्तन प्योरिटी से होता है या पुरुषों की इम्प्योरिटी से होता है? ब्रह्मा से परिवर्तन हो जाएगा, शंकर से परिवर्तन हो जाएगा, पुरुष है या स्त्री चोला है? पुरुष चोलों से परिवर्तन हो जाएगा। तो परिवर्तन शक्ति बता दी, कन्याएं माताएं हैं परिवर्तन शक्ति। उन कन्याओं माताओं में भी जिसमें प्योरिटी की पावर जन्म जन्मांतर की ज्यादा है प्रैक्टिकल जीवन में, वो ही परिवर्तन करेगी।
इतना सब कुछ एडवांस ज्ञान होने के बाद, चारों युगों की शूटिंग का राज समझने के बाद भी परिवर्तन हुआ नहीं हुआ? तो आखिरी क्या कहना पड़ा अव्यक्त बाप दादा को? विजय माला का आवाहन करो। बात बुद्धि में बैठती नहीं तो फिर बाबा ये जो काशी है वो भी तो पीढ़ी की पावर है इसके अंदर। वो रुद्रमाला का मन का है, पुरुष भाव स्वभाव संस्कार का है जन्म जन्मांतर का, कि स्त्री भाव स्वभाव का संस्कार का है? तुम्हारा जो परिवर्तन होना चाहिए उनके थ्रू नहीं होगा। हर आत्मा का अपना अपना अलग अलग पार्ट होता है कि एक जैसा पार्ट हो सकता है? अगर उनके ही द्वारा परिवर्तन हो जाए तो फिर जो दूसरा मन का है रुद्रमाला का, वो ही नारी से क्या बन जाना चाहिए? लक्ष्मी बनना चाहिए। रुद्रमाला के मन के नारी से लक्ष्मी बनते हैं? बन ही नहीं सकते, वो तो जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं। सतयुग त्रेता में भी भले राजाएं बने, लेकिन द्वापर कलयुग में भी राजाएं बनते हैं। जो राजाएं बनते हैं द्वापर कलयुग के, वो विकारी होते हैं या देवता होते हैं? विकारी होते हैं। बाबा मम्मी कब आएगी? जब बुलाओगी तब आएगी। अभी अभी तो माता ने पूछा कब आएगी, जब बुलाओगी तब। तुम तो अभी कहना हमने बाबा को बुलाया और आज बाबा आ गया, तो तुम तो बुलाने में बाबा को लगी हुई है। तुम किसको बुलाती हो, क्यों बुलाती हो बाबा को, जब तुम्हें डायरेक्शन मिल गया? डायरेक्शन मिल गया तो डायरेक्शन पे चलो ना। हाँ बुढ़ी हो गई तो भी बाबा ही अच्छा लगता है। अरे अरे उस माता को बुलाओ जो घर की झाड़ू झाड़ू लग जाए तो आ जाए जल्दी से। दो दो झाड़ू लगा। हाँ तो बुलाओ बुलाओ बुलाओ। जगदम्बा तो सबसे पहले ज्ञान में आई ना। हाँ तो फिर भी उनको रुद्रमाला का आखिरी मन का क्यों? आखिरी मन का क्यों? अगर उठाएगी ज्ञान तो पहला मन का, और प्रैक्टिकल जीवन में उठाएगी नहीं, उल्टा ही करेगी तो लास्ट मन का। स्त्री चोला होते हुए ज्ञान जल्दी उठाना चाहिए या देर में उठाना चाहिए? प्रैक्टिकल जीवन में धारणा देखने में आए, स्त्री चोले की धारणा है मेरा तो एक दूसरा न कोई, तो एक को छोड़ दिया। अरे बाप ने तो जितना लंबे समय तक जगदम्बा के साथ निभाया उतना लंबे समय तक किसी के साथ 16,000 में से किसी के साथ नहीं निभाया। और लक्ष्मी तो बिल्कुल ही दूर रहती है, इसके बावजूद भी रिजल्ट क्या दिया? रिजल्ट तो उल्टा हो गया। नहीं तो बनना चाहिए नारी से लक्ष्मी, नहीं बन पाती। और चाहिए वो चाहिए चाहिए से हो जाएगा। तुमको कहा आवाहन करो, चाहिए चाहिए चाहिए। है हाँ कंपिल में बट्टी कब शुरू होगी? कपिल मुनि है कौन? तो जो कपिल मुनि है वही कंपिल है। बलरमा दो रुद्दू नहीं, किसने मना किया? कपिल मुनि के नाम पर ही तो कंपिल नाम पड़ा। और हेलो, और आपके यहाँ पे चिट्ठी दिया हुआ है? चिट्ठी पढ़े? आप बोलना बंद कर देंगे चिट्ठी पढ़ेंगे? लो ये सुनो, पूछने वाले पूछ रहे हैं, माँ बाप जब झगड़ा करते हैं तो बीच में अपनी टांग अड़ानी है कि नहीं? ऐसे भी बच्चे हैं, माँ बाप के बीच में काजी बनना चाहते हैं। झगड़ा करने वाले ऊंचे होते हैं
या काजी ऊंचे होते हैं? हा? काजी ऊंचा होता है और जज कहा जाता है। तो बच्चे क्या चाहते हैं? आज के कलयुगी बच्चे हैं, उनकी इच्छा होती है माँ बाप झगड़ा करें तो हम बीच में टांग अड़ा करके उनका फैसला करें, ये अच्छी बात नहीं है। बच्चों को माँ बाप के झगड़े के बीच में नहीं पढ़ना चाहिए। वो यज्ञ के आज की बात बाबा बताते हैं, क्या बताते हैं? हैं? नहीं, हाँ, आज में माँ बाप विनाश वाला यज्ञ के आज में ही प्रज्वलित हो चुकी थी। कौन निमित्त बने? मात, माँ, बाप और बच्चे। तो ये तीसरे को टांग अड़ाना जरूरी था क्या? हैं? माँ बाप को ही सुलझ लेने दो, अभी भी ऐसे ही है। क्या जब महाकाल और महाकाली का झगड़ा पब्लिक के बीच में प्रत्यक्ष होगा ना, तो बच्चे क्या करेंगे? हैं? हम मजा लेके हैं, मजा लेने के लिए बीच में टांग अड़ाएंगे। ये आसुरी बच्चे होते हैं या सूर्यवंशी बच्चे होते हैं? जो विधर्मियों में कन्वर्ट होने वाले बच्चे होंगे उनके ऐसे ही कर्म होंगे। और बाबा, हाँ, इब्राहिम और मोहम्मद का जन्म, ये दोनों आत्मा एक ही पार्टा है? हैं? इब्राहिम, हाँ, और मोहम्मद का जन्म, मोहम्मद गजनबी। अरे मोहम्मद गजनबी द्वापर कलयुग के आदि में आता है। अरे दोनों के आत्मा एक ही। इब्राहिम क्या खंडन करता है? हैं? वो मूर्तियों को मानता है या खंडन करता है? इब्राहिम, इब्राहिम देवता, इब्राहिम के फॉलोअर्स देवताओं की मूर्तियां मानते थे, पूजा करते थे। मोहम्मद ने आकर के उसका खंडन किया। तो ये तो कह सकते हैं कि मोहम्मद वाली आत्मा खंडन करती है मूर्तियों का। और सन 97-98 में सवाल टच हुआ कि सभी देवी देवताओं को बाप है दिखाते हैं, मगर शंकर को माँ बाप नहीं दिखाया। क्यों? ये टच होने का कारण क्या? क्या समझा? हाँ, फिर पढ़ते हैं। लो जो हिंदी ज्यादा पढ़ना जानते हैं सो पढ़ के सुना दो। आ? अरे आप लोगों में से भी कोई हिंदी ज्यादा पढ़ता है ना, पढ़ के सुना दो। हाँ, पहला पहला सवाल पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हाँ, सन 97-98 में सवाल टच हुआ कि सभी देवी देवताओं को बाप है दिखाते हैं, मगर शंकर को माँ बाप नहीं दिखाया है, क्यों? यह टच कौन का, ये टच का कारण क्या? मतलब पूछने वाला शायद ये पूछना चाहता है कि सभी देवी देवताओं को माँ बाप होते हैं, शंकर को माँ बाप क्यों नहीं? वो तो सबका बाप है, जितने भी मनुष्य मात्र हैं सबका बाप कौन है? वो ही तो बाप है, तो उसका बाप कौन होगा?
साकार में, देवी देवताओं के भी साकार में बाप हुए हैं, माँ बाप हुए हैं, लेकिन शंकर का साकार में कोई बाप नहीं, उसको उसको जन्म देने वाला कोई भी नहीं। जन्म देना माने प्रत्यक्ष करना, उसके पार्ट को प्रत्यक्ष करने वाला कोई भी नहीं है। सभी देवताओं के पार्ट को प्रत्यक्ष करना, इशारा देना, इशारा देने वाले कोई न कोई माँ बाप हुए हैं, लेकिन शंकर के पार्ट को प्रत्यक्ष करने वाला शंकर के सिवाय कोई भी साकार में नहीं। ये बात कब लागू होगी? इसके अंदर था ये क्षेत्र में नहीं हुआ साकार में कोई उनको बाप बाप का प्रत्यक्षता वर्ष कब मनाया? तो क्यों भूल गया तुमको, कौन सी पार्टी में चले गए? उनका सवाल है ना, अपना नहीं। तुम पूछ तो तुम रहे हो। और टाइम हो गया बाबा, छत्रपति शिवाजी आत्मा है, राम वाली आत्मा है, राम वाली आत्मा ये खाएगा। बिना प्रूफ और प्रमाण दिए कोई भी बात को बुद्धिमान बाप के बच्चे मानने के लिए तैयार नहीं होते। अगर ये बात कहें कि शिवाजी वाली आत्मा राम वाली आत्मा है तो कोई न कोई प्रूफ तो देना चाहिए कि कोई ने कह दिया और हमने मान लिया है। किसने कह दिया आपसे? दूसरे से। और बाबा ने मुरली वाला सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई, तो किसी ने आपको सुना दिया, आपने मान लिया, आज मान लिया और कल हो हल्ला होगा, बाप गुप्त हो जाएगा, तब आप कहेंगे अरे ये बाप आप कुछ नहीं, ये शिवाजी की बाजी कुछ नहीं। इसलिए प्रूफ सहित जब कोई बात को मानेंगे तो बुद्धि में पक्का हो जाएगा, फिर किसी के कहने से हम हिलने वाले नहीं होंगे। सोचना चाहिए, संगम युग में राम की आत्मा का जो पार्ट है और कलयुग के मध्यांत में शिवाजी का जो पार्ट है उसमें समानता क्या है? है? हाँ चलो वो भी बात मान ली, और अगर ये बात मान नहीं सकता कोई, ब्रह्मा कुमार कुमारी ये कहेंगे अगर बाप राम बाप निडर है तो भागा भागा क्यों फिरता है, है? तो क्या जवाब देंगे आप? निडर कोई भागा भागा फिरेगा, मुकाबला करेगा? है निडर तो मुकाबला करेगा, क्यों भागा भागा फिरेगा? हिंसा भी नहीं होनी चाहिए और काम भी होना चाहिए, है? किनारा करना चाहिए। क्या हिंसा भी नहीं होनी चाहिए ना? शंकर भगवान ने जिसको वरदान दिया तो उसको ही मार दिया जाए तो फिर वरदान का क्या अर्थ रहेगा? बोले ये हिसाब से उसको फायदा ही किसे? हाँ माना काम ऐसा करना है जिससे ना अपना नुकसान हो ना दूसरे का नुकसान हो। दिखाते हैं शास्त्रों में कि भस्मासुर पीछे पड़ा और शंकर जी भागते रहे, तो निडर कौन था और डरपोक कौन था? क्या बतावेंगे? शंकर जी डरपोक साबित हो गए और भस्मासुर निडर साबित हो गया, क्या ऐसा था? ऐसा नहीं था, लेकिन मुख से जो बात निकल गई उस बात को सच्चा साबित करने के लिए ऐसा करना पड़ा। कृष्ण गांवड़े गांवड़े में भागता फिरा और कंस उसको मारने के लिए पीछे पड़ गया, तो कंस और कंस के सहयोगी राक्षस
निडर थे या कृष्ण निडर था? है कृष्ण गांवड़े गांवड़े में भागता फिरा, कहीं गोकुल में, कहीं बरसाने में, कहीं कहां कहीं कहां, कहीं मथुरा में, कहीं वृंदावन में। तो कृष्ण निडर था या डरपोक था? है कैसे निडर था? नहीं, कि जिस निर्बल परिवार में जन्म लिया था वो परिवार जन निर्बल थे, कंस के अधीन थे। अगर कृष्ण और कंस का सीधा मुकाबला करता तो सारे परिवार को खत्म कर देता। इसलिए भलाई इसमें ही थी कि गांवड़े गांवड़े में भाग भाग करके और असुरों का एक एक करके मुकाबला करता रहे। राम जंगलों में भाग 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 करके जंगलों में छिप छिप करके रावण का मुकाबला किया, तो रावण निडर था या राम निडर था? रावण निडर साबित हो गया और राम डरपोक साबित हो गया। क्या ऐसा था? है क्यों? ऐसा ही पाक शिवाजी महाराज का जो धन्यवाद। हाँ जी, तो ऐसे समझाओ फिर क्या कि सीधा अगर मुकाबला करते शिवाजी तो ये लाखों करोड़ों की तादाद में जो सेना थी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। गुरिल्ला युद्ध किया और गुरिल्ला युद्ध करके उन्हें यवनों के ऊपर विजय प्राप्त की। किला बनाने में शिवाजी की कोई सानी नहीं थी। क्या किला माने संगठन? स्थूल किला भी बनाते थे, हाँ संगठन रूपी किला भी झट से बना लेते थे। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी राम वाली आत्मा होगी तो संगठन का किला बना ही लेगी। संगठन का किला बना करके और असुरों से मुकाबला कर लेगी। छोटे छोटे किले बनाती थी या आगरा और दिल्ली जैसा बड़ा बड़ा किला बनाती थी? छोटे छोटे किले बनाती थी। तो प्रूफ और प्रमाण इकट्ठे करके तब कोई बात पब्लिक के सामने रखेंगे तो अपने को भी पक्की रहेगी और जिसको सुनाएंगे वो भी पक्का हो जाएगा, मानेगा। नहीं तो जब माया परीक्षा लेगी फाइनल तो खुद भी भूल जाएंगे और जिनको बताएंगे वो भी उड़ जाएंगे। बाबा शास्त्रों में दिखाते शिशुपाल जब जन्मा तो चार हाथ थे, उसको वरदान था कि जिसको देख के इसके हाथ निकल जाएगा। वरदान मतलब ऐसा था कि जिसको देखकर उसका हाथ निकल जाएगा दोनों, तो उसी से उसकी हत्या होगी। कृष्ण को देख के उनके दोनों हाथ निकल गए थे। तो वेद में ऐसे ही शूटिंग है। शिशु किसे कहा जाता है? बच्चे को शिशु कहा जाता है। बच्चे को पाल माने पालने वाला। तो यज्ञ के आदि में अथवा मध्य में संक्षेत्र में पालना करने वाला असली विष्णु का पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन थी? है क्षेत्र में थे फिर काहे लिए बोलते? विष्णु का पार्ट बजाने वाली असली आत्मा कौन है? हाँ, लक्ष्मी नारायण का पार्ट जिनका डिक्लेयर हुआ वो ही विष्णु, असली विष्णु तो वो थे। लेकिन
शिशुपाल को भी जन्मते समय चार हाथ दिखाए गए। इसका मतलब शिशुपाल जैसी जो आत्माएं थी, दूसरे दूसरे धर्मों की बच्चा बुद्धि की तीन आत्माएं, इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन धर्म की बीज, वो छोटे छोटे दुधमुहे बच्चों को पालने वाली थी। क्या जो सगीर बुद्धि बच्चे थे एडवांस पार्टी के, उनकी पालना नहीं देने वाली थी। जो मुरली की गहराई में जा सकते हैं उनको नहीं पाला, किनको पाला? कमजोर कमजोर आत्माओं को पाला, तो उसका नाम पड़ गया शिशुपाल। जिस समय ये कार्य उसने उन बच्चों के सामने करना शुरू किया तो अपने को प्रत्यक्ष किया, मैं विष्णु हूं चार भुजाओं वाला। क्या क्या प्रख्यात किया? कि विष्णु मैं हूं चार भुजाओं वाला। अब नकली प्रत्यक्ष होगा या असली प्रत्यक्ष होगा? नकली के सामने जब असली अगर आ जाएगा तो भुजाएं झड़ जाएंगी कि रह जाएंगी? तो यही बात है, जो असली संगमयुगी कृष्ण है जब शिशुपाल के सामने आ जाता है तो उसकी भुजाएं झड़ जाती है। ओम शांति।